पुलिस कर्मी का हत्यारा खुलेआम कर रहा गोतस्करी। रिजवान हाजी पर वरोरा पुलिस कर्मी की हत्या का आरोप। गौशाला से गोतस्करी का बड़ा खुलासा। कन्हान के रोशनी गौशाला में संचालक और रिजवान हाजी की नापाक निगाहें। अब बात करेंगे ऐसे गौशाला की जहां दिन के उजालों में गौरक्षक बनकर गाय की सेवा की जाती है, लेकिन रात के अंधेरे में ये गौरक्षक गौ तस्करों के साथ मिलकर गाय को सीधे हैदराबाद रवाना कर देता है। जब महाराष्ट्र टीवी 24 ने कन्हान में बसे रोशनी गौशाला में दस्तक दी तो गौशाला की आड़ में चल रहे इस गौ तस्करी का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि इस गौशाला में वो गाय को पहुंचा जाता है जो तस्करों से छुड़ाई जाती है, और गौशाला में इसलिए रखा जाता है कि गायों की रक्षा हो सके, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। दिन में यहाँ सेवा भाव के लिए लाई हुई गायों पर गौ तस्करों की नापाक निगाहें लगी रहती है, जो रातों रात कन्हान से हैदराबाद के लिए ट्रकों में भरकर रवाना कर दी जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन में दिख रही ये तस्वीरें कन्हान के रोशनी गौशाला की है, जिसे गौशाला कहना गलत होगा क्योंकि यह नाम गौशाला का है और काम कत्ल खाने का। अब रातों रात ये गौशाला कैसे यहाँ से गायब हो जाती है, जब हमारी टीम ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि इस गौशाला के संचालक नरेश निकम और रिजवान हाजी शहनवाज कुरैशी मिलकर गाय को कन्हान से हैदराबाद कत्लखाने भेज देते हैं। ये गौ तस्कर रिजवान हाजी शुरू से ही गौ तस्करी में लिप्त है। गौरतलब है कि साल 2019 में चंद्रपुर की वरोरा पुलिस गौ तस्करों को पकड़ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान रिजवान हाजी ने पशुओं से लदी गाड़ी से पुलिस कर्मचारी के ऊपर गाड़ी चला दी थी, जिसे पुलिस कर्मी की जगह पर ही मौत हो गई थी। जब से अब तक ये रिजवान हाजी फरार है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि रिजवान हाजी को कुछ पुलिस कर्मियों का साथ मिल रहा है। यही कारण है कि ये पुलिस कर्मी का हत्यारा बिना किसी खौफ के खुलेआम अपना कारोबार चला रहा है। इस तस्करी में नरेश निकम, रिजवान हाजी, शहनवाज कुरैशी सभी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। बहरहाल इस मामले के और भी खुलासे महाराष्ट्र टीवी 24 जल्द ही करेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश बोरकर की खास रिपोर्ट, नागपुर।